ज्ञान से, ज्ञान जल से पावन नहीं बनते लेकिन याद से ही पावन बनते। लेकिन स्टूल में कोई गंध को प्रक्षारण करने के लिए जल चाहिए ना पावन, यहाँ याद से ही पावन बनते ऐसा कहा है। लेकिन याद की आधार भी ज्ञान है, जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना याद की निवर्ता होती है। तब उसको अलग करने की क्या जरूरत है? इसको ज्ञान, ज्ञान से ही नहीं पावन बनती है, याद से ही पावन पावन बनती है। ज्ञान साधन है, जीवन साध्य नहीं है। लेकिन याद जो है वो हमारा साध्य है। जितना जितना ज्ञान की गहराई होगी, ज्ञान की गहराई के आधार पर ही, जानकारी के आधार पर ही बाप की पहचान होने के कारण गहराई से याद आवेगी। और याद जितनी गहरी होगी आत्मा उतनी ही बाप में समाएगी। जो बाप वो बच्चों की स्थिति हो जाएगी, बच्चे बाप समान बने, इसके लिए याद की यात्रा ही मुख्य है। याद है भोजन और ज्ञान है पानी। भोजन खाने से शक्ति आती है, पानी पीने से शक्ति नहीं आती है। पानी भोजन को पचाता है लेकिन शक्ति नहीं देता है। शक्ति लाना है तो भोजन खाना है। याद की यात्रा अन्न है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान भी इसमें अंतर्भाग लेना, आत्मीय अंतर्भाग, ज्ञान दाता और ज्ञान में अंतर है। वैसे ही याद और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान दाता एक है, लेकिन याद करने वाले अनेक हैं। जो अनेक याद करने वाले हैं वो ज्ञान को धारण करने वाले भी अनेक हैं। जो ज्ञान को धारण करने वाले हैं वो नंबर वार हैं। नंबर वार ज्ञान धारण करने के आधार पर याद भी नंबर वार हो जाए। इसलिए एक बाप और एक ही बच्चा निकलता है बाप समान, जो 100% ज्ञान को धारण करता है। अंतर क्यों पड़ गया? एक बाप आकर के सब बच्चों को एक ही ज्ञान सुनाते हैं, कोई अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है। सबको ज्ञान एक ही ज्ञान, एक ही ज्ञान सुनाते हैं, फिर अंतर पड़ता है कि नहीं? अंतर पड़ जाता है। क्यों अंतर पड़ गया है? अंतर इसलिए पड़ गया कि हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, एक जैसा पार्ट नहीं भरा हुआ है। तो हर एक में देहभान भी अपना अपना अलग अलग है या एक ही प्रकार का देहभान भरा हुआ है? अलग अलग प्रकार का देहभान भरा हुआ है। देह को मिट्टी कहा जाता है, जैसी मिट्टी होती है वैसा पानी होता है।
गंगा की मिट्टी अलग और यमुना की मिट्टी अलग, तो पानी में अंतर पड़ता है कि नहीं? मतलब ज्ञान में? हाँ ज्ञान में, ज्ञान जल में अंतर पड़ता है या नहीं? पड़ता है। पड़ता है, तो ज्ञान जल में अंतर पड़ गया तो याद में भी अंतर पड़ जाता है। इसलिए ज्ञान और याद एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। गंगा के पानी से कोई पावन नहीं बनेगा। अच्छा, गंगा की याद से पावन बन जाएगा? नहीं, नहीं बनेगा। लेकिन बाप के ज्ञान से और बाप की याद से पावन बनेगा। शर्त यह है कि पावन बनेगा। क्या अंतर पड़ गया? अंतर पड़ गया देह अभिमान का। बाप में रिंचक भी देह अभिमान नहीं है, मिट्टी का लेश मात्र भी नहीं है। बल विद्वान आचार्यों ने कह दिया है कण कण में व्यापी है, परंतु वास्तव में वो कण कण में व्यापी होकर रहता ही नहीं है। अगर है तो एक की तरफ याद होना चाहिए। इसलिए ज्ञान और योग को मिलाकर एक नहीं कर सकते। ज्ञान एक से आता है, और याद, याद हम करते हैं, आती नहीं है, और हम उतनी ही याद कर पाएंगे जितना हमारे अंदर प्यार भरा होगा। अब भी विचारी प्यार, कहेंगे अब व्यभिचारी प्यार तो लक्ष्मी में होता है, फिर लक्ष्मी में अब व्यभिचारी प्यार होता है तो याद की यात्रा भी लक्ष्मी में जास्ती होनी चाहिए। वो याद की यात्रा है या नहीं है लक्ष्मी के अंदर? अभी तो ज्ञान के गर्भ में है, तो बाहर नहीं है। गर्भ में भी नहीं है, हाँ। जब ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान को धारण करे, तब वो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी अर्थात सोने का पात्र उस ज्ञान को धारण करके रखेगा। मिट्टी का पात्र, देह अभिमानी पात्र, उसको तो ज्ञान फोड़ करके ही निकल जाएगा। जैसे जगदम्बा, ज्यादा ज्ञान किसको मिलता है? जगदम्बा को ज्यादा ज्ञान मिलता है आदि से लेकर अंत तक, या लक्ष्मी को ज्ञान मिलता है आदि से अंत तक? जगदम्बा को मिलता है। फिर किसका ज्ञान बह जाता है और किसका ज्ञान इकट्ठा रहता है? बल बाद में आती है लक्ष्मी, फिर भी इतना ज्ञान धारण करके रखती है कि ढेर की ढेर आत्माओं का कल्याण हो जाता है। ये व्यभिचारी और अव्यभिचारी ज्ञान की कमाल है। और गुरु जी के बारे में बाबा ने कहा कि गुरु के अर्थात बाप की कंपनी में रहना और बाप को कंपेनियर बनाना,
फिर अभी विषय माला का तो ये हालत नहीं है ना, प्योरिटी अर्थात बाप की कंपनी में रहना और बाकी बाप को कंटेनमेंट कराना बोल के अभी कमेंट में बाबा ने बताया, बाप की कंपनी में रहना और बाप को कंटेनमेंट बनाना ही प्योरिटी है। सो अभी विजय माला का तो अभी तक देह की प्योरिटी बिगर मन बुद्धि की प्योरिटी नहीं है, देह की प्योरिटी भी कहां, वो पूर्व जन्मों की प्योरिटी है, लेकिन प्योर जन्मों की जो प्योरिटी है उसमें शिव तो नहीं होता, और यहां तो शिव साकार में है, वो साकारी संग के रंग की प्योरिटी को प्राप्त करने वाली स्टेज अभी लक्ष्मी की नहीं है। हाँ, थोड़ा सा संदेश लिया हुआ है, बीके वालों ने जैसे लिया हुआ है उनमें भी नंबरवार हैं, जो इंचार्ज हैं उनके पास सारा लिटरेचर पहुंचता है, उनको डायरेक्शन मिले हुए हैं, सारा छुपा के रख दो, जला दो, बाकी दूसरों को तो भनक भी नहीं लगती। तो जिनके पास पहुंचता है अगर थोड़ी भी श्रुत बुद्धि है तो उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि अगर इसको रखेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए जला देते हैं। और विष्णु में जो पांच आत्मा है, राम और कृष्ण और उनका सहयोग है, इस पांच आत्मा को अंतिम जन्म में स्थूल रूप में ब्राह्मण जन्म मिलना, ब्राह्मण जन्म लभ्य होना, वो उसका भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब मिला स्थूल रूप में, पांच आत्मा है स्थूल रूप में ब्राह्मण बन सकते, उसका भी पूर्व जन्म का मतलब हिसाब किताब होता ही है, वो एक कर्म रखेगा, एक कर्म लगेगा, लक पाचू है, भाग्य है, भाग्य सृष्टि प्रक्रिया की आदिकालीन आत्माएं है ना, जो आदि में थे वो ही अंत तक हैं। तो आदि में कौन सा वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण, तो ब्राह्मण वर्ण आदि में भी, तो लाजमी है कि अंत में भी, कम से कम कोई तो आत्मा चाहिए, प्राय लोप होता है, संपूर्ण लोप तो नहीं होता है, तो प्राय लोप के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव संस्कार नंबर वार पांच आत्माओं के अंतिम जन्म तक रहते हैं, वो भी एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, हैं तो नंबर वार। और ऐसे कुछ कुछ बच्चों को भी ऐसे स्थूल रूप में तो ब्राह्मण जन्म मिलना, वो भी एक बात ही है, लेकिन पार्ट भी खुले ना, ब्राह्मण जन्म तो है लेकिन नौ कुरियों में से पहली कुरी में है, सेकंड नंबर में है, थर्ड नंबर में है, फोर्थ क्लास में है, या इन चारों से ऊपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राह्मण है, ये भी तो देखने में तब आवेगा जब संगम युग में उनका श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो पार्ट है वो खुले, ये पांच आत्माओं के तो पार्ट खुल गए, इस आधार पर कहा गया
जब तक पार्ट नहीं खुलते हैं तब तक कोई भी ब्राह्मणों के लिए यही कहेंगे कि कोई भी ब्राह्मण नहीं है, अंतिम जन्म में सब क्या है, सब शूद्र हैं। अभी की बात छोड़ दें, 500 साल पहले ही लिख दिया तुलसीदास ने अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी में, भय वर्ण शंकर सब है, सारे ही वर्ण शंकर हो गए, शूद्र हो गए। तो 500 साल के बाद तो और बुरी हालत हो जाती है। और संकल्प और विचार हमने एक तरह से आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना, इसी से जो पहली अभिज्ञानी में आए संकल्प और विचार। संकल्प विचार एक ही बात, संकल्प करना और विचार करना एक ही बात। मनन चिंतन करना माने विचार करना, उसमें एक रहकर आगे बढ़ना और बढ़ाना बोलते बाबा ने कहा। संकल्पों में एक स्टेज हो जाए, संकल्प और विचार होंगे एक स्टेज। हम सब तो संकल्प उचित भी आते हैं, अनुचित भी आते हैं। विचार भी उचित आते हैं, अनुचित भी आते हैं, एक ही बात है। हिंदी में जिसे विचार कहा जाता है उसी को संकल्प कहा जाता है। और हैं संकल्प और विचार, इसलिए समझाने के लिए बता दिया। तो बाबा 1827 में बाबा ने बताया कि आत्मा अलग है, आत्मा जीव में प्रवेश करने वाला जीव अलग है। जीव तब कहते हैं जब आत्मा जीवन में आ जाए। जीवन में आ जाए माने जीता जागता हो जाए, चैतन्य बन जाए। आत्मा परमधाम में है तो जीव नहीं है, चैतन्य नहीं है, जड़ है। सुप्रीम सोल भी जड़ है और मनुष्य आत्माएं भी जड़ हैं, पशु पक्षी की आत्माएं भी परमधाम में जड़ हैं। जीवन तब कहा जाए जब आत्मा पांच तत्वों का चोला धारण करे। अब वो चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो या पेड़ पौधे हों। बाकी का ध्यान तो पिंड भी क्षेत्र नहीं होता है। जैसे एक बूंद खून है, खून में ढेर सारे कीटाणु होते हैं, ऐसे ही वो पिंड में ढेर के ढेर कीटाणु हैं। उन कीटाणुओं को मनुष्य आत्मा नहीं कहेंगे, उनको कीटाणु ही कहेंगे। वो कीटाणुओं में मन बुद्धि नहीं है। मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है तो मन बुद्धि सहित प्रवेश करती है। एक लंबे अरसे तक गर्भ के अंदर वो सूक्ष्म शरीर धारण करके रहती है, सूक्ष्म शरीर से बाहर की दुनिया में भी चली जाती है, सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार भी करती रहती है। जन्म लेने के बाद भी बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, अपने आप ही रोता है, अपने आप ही हंसता है, वो उसके सूक्ष्म शरीर का कार्य करता है। जब तक स्थूल इंद्रियां पावरफुल न हो जाएं, तब तक सूक्ष्म शरीर पावरफुल रीति कार्य करता है।
और ब्राह्मण की दुनिया में निवृत्ति मार्ग वाले ही राज्य कर रहे हैं। ब्राह्मण की दुनिया में निवृत्ति मार्ग वाले ही राज्य कर रहे हैं अभी। हाँ, बाहर की दुनिया में भी जो साधु सन्यासी हैं उनके पांव जाकर के बड़े बड़े मिनिस्टर पढ़ते हैं, उनकी ही आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो राज्य किसका कहे? उन्हीं साधु सन्यासियों का राज्य है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो साधु सन्यासी हैं उन्हीं का राज्य है। देखने के लिए कोई जगदीश भाई थोड़े ही कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जगदीश भाई के हाथों में नहीं थी। देखने के हिसाब से कहते थे कुमारिका दादी के हाथ में सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, फिर कुमारिका दादी से कलकत्ते के रविंद्र भाई ने कंपिल में भट्टी करने के बाद बात की, दादी ये एडवांस पार्टी अगर ऐसे ही चलती रही तो एक दिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खलास हो जाएगा। दादी ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, जगदीश भाई से जाके बात करो। तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके हाथ में है, क्या कहा जाए? जगदीश भाई के हाथ में। आज की दुनिया में जो भी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी हैं उनका बहुत प्रभाव है। गवर्नमेंट के भी ऊपर प्रभाव है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि पूंजीपति भी उनके चरणों में जाकर के लौटते हैं। और अंतिम पेपर में सबको समझे ले आपकी बोलते बाबा ने कहा है, तो माया तो अंतिम पेपर में सबको समझे ले आती बाबा ने कहा ऐसा, फिर 16108 तक तो वो बनती रहती या बाद में संशय क्यों 16108 में दास दासी बनने वाले ढेर के ढेर नहीं है? जब ढेर के ढेर है तो उनको संशय नहीं आवेगा, उनको तो पहले संशय आवेगा। राज परिवार को पहले संशय आना चाहिए या प्रजावर की आत्माओं को पहले संशय आना चाहिए? यथा राजा तथा प्रजा। वो राजा नहीं है, वो बेताज बादशाह है, वो भगवान का साकार स्वरूप है, भगवान भगवती है, वो कंट्रोलर नहीं है, वो राजा ही नहीं करते। प्रैक्टिकल जीवन में बाबा क्या बन करके आता है? बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, न कि राजा बन करके आता है। और ये नियम है जो संगम युग में सन 36 से लेकर 2036 तक जितनी राजाई कमाई लेगा, राजाई चलाए लेगा, वहां उसकी राजाई कट हो जाएगी। यहां जितनी सेवा कर लेगा उतनी वहां राजाई बढ़ जाएगी। तो ज्ञानी आत्मा तो वो है जो यहां कोई के ऊपर कंट्रोल न करे, रिक्वेस्ट से काम करे, सेवाधारी बनकर के काम करे। 100 बार भी डायरेक्शन दिया जाए और कोई 100 बार भी डिसओबे करे तो उसके ऊपर नाराज न हो जाए। जैसे बाबा सन 36 से 70 साल से ऊपर हो गए, वो ही डायरेक्शन दे रहा है, बच्चे ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, और बच्चे लगातार डिसओबे करते जा रहे हैं, तो बाबा को क्रोध आता है क्या, दंड देता है क्या?
राजा तो क्या करता है, है? खुंदक में आ जाता है। अच्छा, मेरी बात भी नहीं मानेगा, सूली पे चढ़ा देते हैं। वहां तो राजाओं के सामने जाने से ही थर थर कांपते हैं, और यहां तो राजाओं का राजा बनाने वाला सामने आता है तो भी एक कान से सुनकर के दूसरे कान से बात को निकाल देते हैं। एक बार नहीं, हजार हजार बार। तो राजाई का चलाने के संस्कार किसमें है? एक में है, या एक को छोड़ करके सारी माला के मणकों के अंदर राजाई चलाने के संस्कार है? एक को छोड़ करके सारी माला के मणके, कोई भी मालाएं क्यों न हो, आठ की माला ही क्यों न हो, सब के अंदर ये संस्कार है। अच्छा, मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तो देख लूंगा, अभी देखता हूं। तो ये आर्डर चलाना, राजाई करना, ये ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। ब्राह्मणों का संस्कार क्या है? मुख्य पहला पढ़ना, सेवा करना। पढ़ना भी है पढ़ाने के लिए, और पढ़ाना भी आज के टीचर्स की तरह नहीं, निरहंकारी बनकर के पढ़ाना, मीठा बनकर के पढ़ाना। नहीं तो देह अभिमान पूर्वक पढ़ाने से उल्टा रिजल्ट निकलता है, बजाय ज्ञान में निकलने के और ही दूर हो जाते हैं। और सद्गुरु धर्मराज और खाली तीनों पाठ में क्या अंतर है? बाप प्यार का सागर है, धर्मराज तो मार का सागर है। मेरा राइट हैंड है इसे, राइट हैंड इसीलिए है, जो काम मैं नहीं करा पाता बच्चों से, मैं जिन बच्चों को चेंज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये बात बोलते हैं बात तो सद्गुरु, तो वो काम बच्चे के रूप में वो बच्चा कर देता है, जो धर्मराज कहा जाता है वो धारण करेगा तो धर्मराज कहा जाएगा। अगर धारणा नहीं करता है, धर्म की धारणा नहीं है, तो धर्मराज भी नहीं बन सकता। ठीक है बाप, लेकिन जो बाबा बोलते हैं तो जब सद्गुरु की पाठ शुरू होती है तब तुम बच्चों मेरे सामने ठहर नहीं सकती। तो पावर की बात है, दंड देने की बात नहीं है, सिर्फ पावर से बच्चे स्तंभित तो हो जाते हैं। धर्मराज तो पावर दिखाता है, दंड देता है, और धर्मराज वही कहा जा सकता है जो खुद धारणा करता है। बाप तो दिव्य गुणों की धारणा नहीं करता है, बाप का तो पार्ट ही न्यारा है। सारी महिमा है ही एक बाप की, जरूर है। तुरिया धर्म है, तुरिया कर्म है, तुरिया धारणाएं हैं। जो बच्चों की धारणाएं हैं वो बाप की नहीं है, जो देवताओं की धारणाएं हैं वो बाप की नहीं है। बाप के गुण अलग और बच्चों के देवताओं के गुण अलग। महाकाली और धर्मराज का पाठ एक है, महाकाली साकार है और धर्मराज तो आकारी स्टेज वाला है। धर्मराज पुरी में रहता है,
वो ब्रह्मा की सोल है जो महाकाली में प्रवेश करके पाठ बजाती है। असुर संघारिणी नाम है तो काम भी वैसा ही है, और वो अकेली नहीं है, ढेर की ढेर भुजाएं हैं। और असुर संघारिणी उसको सूर्य वंश के छोड़कर और जो है उसको असुर उन्हें कहा जाता है जो भगवान का ज्ञान या तो सुनना ही पसंद नहीं करते और सुनते हैं तो मानते ही नहीं, और मान भी लेते हैं तो चलते ही नहीं, गांठ बांध ली है कि न जानेंगे न मानेंगे और न चलेंगे। भगवान भी उनको अपने प्यार के सागर की स्टेज में रह करके उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसों को फिर धर्मराज कंट्रोल करता है। तो कहा जाता है डंडे से भूत भाग जाते हैं, तो धर्मराज पावरफुल हुआ या भगवान पावरफुल हुआ? मतलब दोनों पीके और दोनों से निकले सारी दुनिया के लिए धर्मराज है, बीके और पीवी के लिए क्या? पहले ब्राह्मण को मिलना, पहले घर से सुधार, फिर बाहर का सुधार। बालाजी होना चाहिए तो बालाजी के पास जाके भूतों को भगाने के लिए बाबा ने कहा ऐसा ब्राह्मणों का राजा तो बालाजी ही बनना पड़ेगा। बालाजी वो धारणाओं का राजा तो नहीं है ना? किसका राजा? धारणाओं का राजा तो बालाजी नहीं है ना? धारणाओं का राजा बाला माने क्या होता है? बाला माने छोटा। कृष्ण बच्चे को ही बाला कहते हैं, छोटे बच्चे में ज्यादा गुण होंगे या जब बड़ा हो जाता है तब ज्यादा गुण होते हैं? छोटे बच्चे में ही ज्यादा गुण होते हैं। वो बालाजी संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? संगम युग में भी आदिकाल की यादगार है, 1936 वाली, या अंत समय की यादगार है? अंत समय की यादगार है। जब वो बालाजी वाली आत्मा संगमयुगी कृष्ण का पाठ बजाए तब की यादगार है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। बाबा मैं हमारे जातीय झंडा ने पिंगल वेंकन्नाथ बनाया गया है, हमारे जातीय झंडा को पिंगल वेंकन्ना बनाया है ना, कि आपने झंडा को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के यादगार कहते थे ना, वे ज्ञान में नहीं आते तो वे कैसे बनाया? ठीक है, तो हमारा जातीय झंडा है ना बाप, फ्लैग, नेशनल फ्लैग है ना, हाँ। उसको यहाँ तो आंध्रा वाले पिंगड़ी वेंकैया वो बना दिया। क्या बना दिया? ये नेशनल फ्लैग जो तीन रंगों की कपड़ा है ना, हाँ। उसको पिंगड़ी वेंकैया के एक नाम है आंध्रा वाला, हाँ। वो बनाया। क्या है वो? एक आदमी है वो बनाया है। क्या बनाया? ये तीन रंगों की जाति नेशनल फ्लैग है ना बाप, जाति झंडा माना नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय फ्लैग। अरे राष्ट्रीय झंडा कोई आंध्रा का है या पूरे राष्ट्र का है? वो ऐसा कुछ रहा है बाप, राष्ट्र को स्टेट नहीं कहा जाता है, राष्ट्र अलग बात, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर राज्य ढेर के ढेर हैं।
उनमें एक राज्य है आंध्रा, आंध्रा में ये मान्यता होगी वेंकट नैया की। सभी राज्यों में वेंकट नैया की राज्य मान्यता नहीं है, सभी राज्यों को मिलकर के एक राष्ट्र बना है। उस राष्ट्र का जो झंडा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, मेरे अशोक चक्र ने चक्र ने बीच के चक्र में अशोक ने बनाया, उसके बारे में भी आप जो उसको बनाया बाप उसका ये ज्ञान नहीं है ना, तो वो तीन है, तीन ब्रह्मा और विष्णु चक्र का वो याद करेंगे ना बाप झंडा में। हाँ, जो उसको बनाया उसको ये ज्ञान नहीं है ना, वो कैसा बनाया वही पूछ रहा है, उसको ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान होता तो वो राष्ट्र का झंडा बनाता या कोई एक राज्य का झंडा बनाता। अरे सारे भारत को एक करके चलना है या कि कोई छोटा रूप धारण करके चलना है, सारे राष्ट्र को एक बनाना है, ये अलगाववाद हो जाता है। अभी तो आंध्रा में ही अलगाववाद कर दिया। उत्तर आंध्रा अलग, दक्षिण आंध्रा अलग, वही तेलंगाना अलग। ये अलगाववादियों का काम है राज्य करने के लिए। जहां देखा कि हमारी पलटन ज्यादा है वोट देने वालों की तो हमारा राज्य अलग कर दो। ऐसे तो ये भारत देश बट गया, खंड खंड हो गया। बाप जो अष्टदेव है सबसे पूर्वज सबको, मतलब जो नव धर्मों में जो आर्य समाजी और अर्थनास्तिक है उसको छोड़, आर्य समाजी को धर्म नहीं कहेंगे, वो धर्म की धारणा करने वाला है ही नहीं। अगर कोई धर्म की धारणा करने वाला होता तो एक बात में पक्का रहता, उन्होंने तो जहां इस्लाम धर्म आया इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, वहां से दुख मिलता देखा, बौद्धि आए तो बौद्धियों में कन्वर्ट हो गए, वहां भी दुख मिलता देखा क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। माना जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। ये तो अवसरवादी हैं आज के नेताओं की तरह। आज के नेताओं का राज्य ही है धर्मनिरपेक्ष राज्य, कांग्रेस राज्य। हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है। जब धर्म की अपेक्षा नहीं है तो धर्म की धारणा क्या करेंगे, कोई धर्म से लेना देना नहीं। अधर्मी बन गए, अधर्मी माने नास्तिक। नास्तिकवाद भारत से शुरू होता है, तब रूस में जाकर के पनपता है बड़े रूप में। वो भगवान की जो क्रिएशन है राजाएं और राजाई, उसको ही नष्ट करने वाले हैं। ये नास्तिकों का नारा है प्रजातंत्रवाद। प्रजा का वोट चाहिए, राजाएं नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए। और राजा ही नाम की कोई है भी चीज नहीं है, अभी कौन किसको मानता है। प्रधानमंत्री की नाक फोड़ देते हैं पत्थर मार के, गृह मंत्री की लड़की उठा के ले जाते हैं किडनैप करके, ये कोई राजा ही है। रशियंस ने तो राजाओं का कत्लेआम कराया, भगवान ने आकर के जिनको ठहराया गद्दियों पर बिठाया
नंबर निश्चित कर दिए माला में, उनको उन्होंने कत्लेआम करा दिया। तो भगवान का विरोध करने वाले हैं या भगवान को सपोर्ट करने वाले हैं? वो तो बिल्कुल नास्तिक हैं, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, धारणा नाम की कोई चीज ही नहीं। तो उस धर्म को छोड़कर माँ, जो माँ की जो आठ धर्म है ना, उस आठ धर्मों को वो पूर्वज है ना, वो सूर्यवंशी जो अष्टदेव है, वो आठ धर्मों की पूर्वज है। हाँ जी, तब आठ के पूर्वज होते हुए भी आपस में मिलकर के एक हैं और सांप को सपोर्ट करने वाले हैं आठों को। एक एक आठों को सपोर्ट करने वाले। हाँ जी, क्योंकि जानते हैं कि हर धर्म में से श्रेष्ठ आत्माएं चुन करके बाप ने ये राजाई स्थापन की है। वो सभी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सारी माला का संगठन ही श्रेष्ठ है। मतलब आप एक धर्म का जो सूक्ष्म बीज है, वो सूक्ष्म बीज उसमें रहते हैं। हाँ जी, जो 100% सच्चाई है हर धर्म के अंदर, वो अष्टदेवों में आकर की इकट्ठी होती है। तो सच्चाई तो जरूर सच्चाई को सपोर्ट करेगी। हर धर्म में सच्चाई होती है ना? हर धर्म में सच्चाई है, 100%। नास्तिक कोई धर्म नहीं है, अर्ध नास्तिक कोई सच्चाई नहीं है। धारणा करने वालों में सच्चाई और फिर भी वो तो बाप के विरुद्ध है ना, संगम में सब विरुद्ध नहीं होते हैं। जो सच्चाई वाले हैं वो ही आकर के सपोर्ट करते हैं भगवान को। हर धर्म में से जो सच्चे सच्चे हैं वो बच्चे चुने जाते हैं। वो सिंध हैदराबाद में एक आखिरी जन्म में इकट्ठे हो गए, चाहे राजा वर्ग की आत्माएं हैं चाहे प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, सारी दुनिया से हर धर्म से छटी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं सिंध हैदराबाद में जाके इकट्ठी हुई। उनमें से अब चुनाव हो रहा है कि राजाई पाने वाले बाप के बच्चे कौन कौन हैं। वो आठ फिर भी अपने अपने धर्म में तो वो 100% उनकी धर्म अपनापन उनमें आखिरी जन्म में आता है कि ये मेरे अपने हैं। 83 जन्मों में उनमें कोई अपनापन नहीं रहता कि ये खास धर्म के मेरे हैं। तो मैं किसी को छोड़ते नहीं है। हाँ जी, तो जब वो नीचे गिरते हैं मेंटलिटी में, जब उनका अलगाववाद बुद्धि में बैठ जाता है, तब माया उनको पकड़ती है। वो समय कब बात तो एक की पहले है और जोड़ने के एक की छोड़ने के बाद आज में भी टूटे थे, तो इसीलिए टूटना होता है। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है। 84वें जन्म के अंत में टूटते हैं, उसका कारण भी यही होता है। एक से टूट गए तो बिखर गए, एक से जुड़ करके रहते तो बिखरने की बात ही नहीं। तो अंतिम जन्म उसका कौन सा है बाप? क्योंकि पहले अंतिम जन्म हुआ और उसके बाद जो शरीर गया, बेटा शरीर छोड़ने के बाद जो जन्म लिया वो हुआ। जन्म लिया अंतिम जन्म जब बाप ने प्रवेश किया, वही अंतिम जन्म है 84वां जन्म। वो 84वां जन्म ऐड हो करके चलता है, जैसे ब्रह्मा की 100 साल आयु, वैसे उन बच्चों की आयु भी ऐड होती है अगले जन्म में। उसको एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म कहा जाता है। वो 84वां जन्म ही उनका एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म होगा। सूक्ष्म बीज है और प्रजापिता स्थूल बीज है,
और जगदम्बा माँ है, वो जन्म लेने वाला कृष्ण जो बच्चा है, ये कैसे ग्रह है ना बाबा, ये ग्रह है। ऐसे इस्लाम धर्म को जो सूक्ष्म बीज अष्टदेव में दूसरा नंबर हो गया, सूक्ष्म बीज होता है बाप, ऐसा ऐसा दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर। दूसरा चंद्रवंश को क्यों भूल गए? जो काशी नगरी है, हाँ जी, बाप मूल बीज और सूक्ष्म बीज में क्या अंतर है? जो रामायण में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो चार वेदों का यादगार है, और जो चार भाई आए, वो पहला जो राम बाप है वो सनातन जैन धर्म की बीज, और दूसरा है वेद का नाम ही है ऋक। ऋग्वेद, ऋक माने सच्चा, वो ही सच्चा है। बाद के जो और तीन वेद हैं उनमें कुछ न कुछ झूठा भरा पड़ा है, वो सच्चाई नहीं है जो ऋग्वेद में है। तो वो मूल बीज, तो इस्लाम का मूल बीज जो भारत है, हाँ जी, वो मूल बीज में और सूक्ष्म बीज में क्या अंतर है? माना जो इस्लामी में जो बारह आत्मा है, तो बारह आत्मा है, पहली आत्मा वो हो सकता है जो 108 माला में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो नौ धर्मों की 12 माला है ना, तो इस्लाम धर्म की जो पहली नंबर है बीज वो हो सकता है भारत सूर्यवंश में है, भारत है सूर्यवंश, वो तो सूर्यवंश के बारे में से है, सूर्यवंश के बारे में, हाँ जी, उससे आधार का जन्म होता है, जड़ का जन्म होता है। तब अष्टदेव में तीसरा नंबर किसका है? अष्टदेव में जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठवां तक नंबर है, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, स्थापना और पालना करने वाली। और बाकी जो बची हैं चार, वो नष्ट करने वाली हैं, स्थापना करने वाली नहीं है, पालना करने वाली भी नहीं है, लेकिन उनके बगैर काम भी नहीं चलेगा। देवता धर्म प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, आठ की प्रत्यक्षता भी नहीं होगी, जिसको नष्ट करने से ही आठ प्रत्यक्ष होते, जो नष्ट करने योग्य है। बारह के अलावा जो भी हैं, बारह सूर्यवंशियों के अलावा जो भी हैं और जिस धर्म में भी हैं, वो सब नष्ट होने योग्य हैं। मतलब चंद्रवंशी भी नष्ट होने योग्य हैं। वो चंद्रवंशी जो सूर्यवंशियों के आगे झुकते ही नहीं है, राधा झुकती है तो सूर्यवंशी बन जाती है, उसे नष्ट होने की बात ही नहीं। एक साल के कैंप में तो हर एक महीने में मास की शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है, हाँ। तो ये मिला के तो 12 मास शिवरात्रि हो गया, फिर एक महाशिवरात्रि आ गया रे, उसका नाम ही है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि अधूरा नाम है, संपूर्ण नाम है महाशिवरात्रि। 2018 हाँ, महाशिवरात्रि माने ऐसी रात्रि जिससे महा माने बड़ी, जिससे बड़ी कोई रात्रि होती ही नहीं, सब अंधेरे में, तो एक रात्रि ही ऐसी है 5000 वर्ष के अंदर, जहाँ 700 करोड़ आत्माएं अंधेरे में होंगी, सब अनिश्चित है। ब्राह्मणों की दुनिया की बेसिक आत्माएं सारी अंधेरे में होंगी,
एडवांस वाली भी आत्मा है, ब्राह्मण आत्मा है, सारी ही अंधेरे में आ जाएंगी। मतलब अनिश्चय में है, अनिश्चय में आ जाएंगे। हाँ, अनिश्चय में आ जाएंगी। तब एक सूर्य प्रत्यक्ष होगा, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। उससे बड़ा अंधकार और कभी दुनिया में न हुआ है और न होगा। फिर पहले पहले जरूर कोई आत्मा है जो सूर्य के सबसे जास्ती नजदीक आएगी, वो दूसरे नंबर का अष्टदेव हो गया। उसके बाद तीसरी आत्मा आएगी। जब दूसरी आत्मा नजदीक आई तो उसे महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे, उसमें कुछ ओझेला होने लगा, दूसरी आत्मा है और उसके जो भी फॉलोअर्स हैं, यथा राजा तथा प्रजा भी रोशनी में आ जाएंगे। तो अंधकार उतना गहरा नहीं रहा जितना महाशिवरात्रि में अंधकार गहरा था। जिसको बाबा ने कहा है एक दिन ऐसा आएगा, एक तरफ एक बाप है और दूसरी तरफ सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, वही महाशिवरात्रि। बाबा जो ये अष्टदेव है तो 12 आत्माएं में, वो तो स्वर्ग को भी नष्ट करने वाला, तीन सीढ़ियां रहती है बाबा त्रेता के अंत में, वो स्वर्ग को भी नष्ट करेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया को भी नष्ट करेंगे, बेसिक की दुनिया को भी नष्ट करेंगे और वो बाहर की दुनिया को भी नष्ट करने के निमित्त बनेंगे। दूसरे खंडों की हाँ, जो भी मुखिया हैं, बड़े बड़े हैं, जिनकी बुद्धि कमजोर है, अपने बनाए हुए एटम बम को खुद फोड़ने में डरते हैं, उनमें प्रवेश करके उनको इंस्पिरेट करेंगे। प्रवेश करना माना इंस्पिरेट करना, प्रवेश करना, प्रवेश करके उनकी बुद्धि को पलटा देना। लेकिन जो 12 आत्मा भी 8 आत्माएं छोड़कर जो 4 आत्मा रहा है ना बाप, लेकिन त्रेता के अंत में तो 3 सीढ़ियां है, लेकिन यहाँ बचा है 4, वो वहाँ 3 है और 14 आत्मा के लिए बारे में क्या बात? वो गुप्त है, 11 ही रुद्र कहे जाते हैं। रुद्र गण 11 है, 12 नहीं है। लेकिन 12 राशि है बाप। हाँ, 12 राशियां हैं, 12 राशियों के ही दुनिया के सारे मनुष्य हैं, 12 राशियों के अंदर ही हैं। और ज्योतिर्लिंग भी 12 है ना? हाँ जी। तो उत्तर रूप में कैसा होगा उसका पार्ट? एक चोटी का है तो एक एड़ी का है, एक ऊंचे से ऊंची स्टेज अमरनाथ है तो एक नीचे से नीची स्टेज दक्षिण में क्या है रामेश्वरनाथ है, जो ऊंचे से ऊंचा भी जाता है और नीचे से नीचा भी जाता है। माने 12 में प्रवेशता किसकी साबित होती है? तो 12 जो ज्योतिर्लिंगम है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सी आत्मा रूपी ज्योति प्रवेश है? अरे वो है कौन? सुप्रीम सोल सर्वव्यापी होता है क्या? हाँ, वो ही आदि में है तो वो ही अंत में भी है। और लेकिन सर्विस करने के लिए प्रवेश नहीं होता है ना बाप? और कहीं के लिए नहीं है, सर्विस करने के लिए प्रवेश होता है। लेकिन शुरुआत में तो प्रवेश सर्विस करने के लिए नहीं होता है ना बाप? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं, शिव बाप नहीं प्रवेश करते हैं।
तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश करके सर्विस कराते हैं। मतलब मुझे और बाप कहा ही जाता है सुप्रीम सोल प्लस प्रजापिता राम बाप, दोनों का प्रवेश दोनों को ही राम बाप कहा जाता है, बाप कहा जाता है। भाई साहब का प्रश्न है कि भाई साहब का एक प्रश्न है, चार मुख्य धर्म है और चार मुख्य वेद है ना, वेद उन चार हैं, किस धर्म का वेद, कौन सी धर्म का वेद, किस वेद, ऋग्वेद बता दिया ना, ऋक् माने सच्चाई, तो सत्य सनातन धर्म का ऋग्वेद ही है। हाँ अथर्ववेद, हाँ उनके नंबर ही बने हुए हैं, उनकी जो विशेषता है वो विशेषता के आधार पर ही चारों नंबर दिखाए गए हैं। एक ही दृष्टि से ही पति से पावन होती है दुनिया में, एक ही दृष्टि से पति शिव बाबा का दृष्टि से ही चट्टी करा होती है, लेकिन अभी जो ब्रह्मा जो दूसरा प्रवेश करते हैं सभी को दृष्टि देती है, भले वो बाप की याद में है लेकिन शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रैक्टिकल रूप में नहीं है ना बाप, वो दृष्टि देना वो सही है या गलत है। जितने भी सूर्य वंश को छोड़ करके और वंश हैं, ग्यारह है, वो सात, वो सारे ही वंश निराकार को याद करने वाले हैं, माना चंद्र वंश सहित जितने भी विधर्मी हैं वो सब निराकार को याद करने वाले हैं, साकार को पहचानते ही नहीं है। चंद्रवंश में 10% ही ऐसी आत्माएं हैं जो बाप को पहचान करके बाप के धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, अपना लेती हैं। विजयमाला, बाकी तो सब और धर्म के हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। मतलब ये दृष्टि देना वो तो रंग है ना ब्रह्मा, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना, किसके मुख को फॉलो करेगा, जिस धर्म का होगा उसी के मुख को मानेगा, उसी की आंख को मानेगा, जो दृष्टि ले रहा है वो उस धर्म का है। बस कुमार का दादी के धर्म के होंगे, उन्हें कुमार का दादी की दृष्टि लेना अच्छा लगेगा, उनके धर्म के नहीं होंगे तो उनको उनकी दृष्टि लेना देना क्या कर रही है, हमें नहीं अच्छा लगता, वो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। जो आदि में होती है वो अंत में होती है, नियम है ना ड्रामा में आदि, तो माया किसी को छोड़ते नहीं है, तो पहले जो बाप है तो पिता जो पहले फेल हुआ ना बाप पिता की आदि में, और उसके साथ जो अष्टदेव है उसकी जो पाल है वो भी फेल हुआ, मन आदि में फेल हुआ, तब ये नियम के अनुसार तब अंत में भी वो फेल हो जाएंगे क्या? अगर अंत में फेल नहीं होंगे तो सारी दुनिया का विनाश करने का मूल निमित्त कौन बनेगा? अरे विनाश कल्याणकारी है, और कल्याणकारी विनाश पावरफुल आत्माएं कर सकेंगी या कमजोर आत्माएं कर सकेंगी? पावरफुल आत्माएं। तो कौन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल? तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है
वो नीचे गिरने में भी पावरफुल होना चाहिए। जो जितना तारु होता है, तैराक होता है, पानी में तैरने वाले होते हैं ना, जितना तीखा तैराक होगा उतना गहरी डुबक लगाएगा। तीखा तैराक नहीं होगा तो गहराई में जाने से डरेगा। तो ये बोला राम फेल हो गया, मैंने पास्ट की बात बता दी। जो फर्स्ट में वो लास्ट में भी होगा। लेकिन वो थोड़े समय के लिए ना, विनाश होना कोई ज्यादा टाइम की थोड़ा ही लगता है। विनाश दो तरह का है, एक भारत का विनाश, जो भारत में महावारी महाभारत युद्ध होता है, खून की नदियां जिसमें बहती हैं, और एक है विदेशियों का विनाश। उसे ज्यादा टाइम ही नहीं लगता।